प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, शाम के वक्त पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं, आज उनके जीवन को आशीष दे, उन्हें ढेर सारी बरकत और ढेर सारा प्यार यीशु नासरी के नाम से आप दीजिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग हताश हैं, जितने लोग निराश हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से, कोई भी यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति दीजिए, उनके जीवन में धैर्य दीजिए, उनको विश्वास दिलाइए पिता परमेश्वर कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आज आपके जीवन की सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी परेशानियां आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर एक एक परेशानियां आपके जीवन से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जिसने खुदा पर यकीन रखा, जिसने परमेश्वर पर यकीन रखा, भरोसा रखा, पिता ने उसके जीवन को ढेर सारी आशीषें दी, ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारी बरकतें दी। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन को इस सुंदर से रात्रि के समय आज नहीं सुनना चाहेंगे? आज मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, यदि आपके पास समय है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, समय है तो आप प्रार्थना और वचन को पूरे ध्यान से, पूरे संपूर्ण मन से सुनिए। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक फल एक राई के दाने के बराबर, इसका दृष्टांत हमें सही तरीके से समझना चाहिए। यदि आपने इन बातों को आज सीख लिया, आज जान लिया, तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। आपकी जनरेशन, यदि आज हम क्या करते हैं, आने वाले 10 साल और 50 साल और अनंत काल के लिए हमारे लिए क्या लाभ होगा? आज हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए फल क्या होगा? इस बात को आज मैं आपको सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए वचन को ध्यान से सुनना, और जिसके पास समय नहीं है वो मसीह भाई बहन जा सकते हैं और बाद में आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए और वचन को सुनने के लिए, तो आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, इस वीडियो को, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अभी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप कहां से किस समय प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, आपके जीवन के एक राई के दाने का दृष्टांत मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। आज हमें हर बातों को सीखने का और समझने को केवल बाइबल से मिलता है, उसमें हर एक उत्तर, हर एक प्रश्न मिलेगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको बाइबल में मिलेगा। कहीं से भी आप देखेंगे, आपको घूम फिरा करके बाइबल में ही आना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझाना चाहता हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रची सूस, मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती के 13 में पढ़ सकते हैं, लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, कई जगह इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है। लेकिन मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ मरकुस के पुस्तक में, मरकुस के पुस्तक में अध्याय 4 में लिखा, और वचन नंबर 30 से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखना चाहते हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और सीधा सीधा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग परमेश्वर को ढेर सारी बरकत और आशीष दे। आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के मन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, प्रॉब्लम से, इन बातों को हो सकता है वो सुने और उनका मन बदल जाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने जीवन में कार्य करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे 30 में जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने उससे कहा, हम परमेश्वर की उपमा किसे किसे दें? यहाँ पे क्या लिखा है, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे किसे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों को, बीजों से छोटा होता है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार में राई के दाने का दृष्टांत दिया था, तो एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है, तो आप अनेक प्रकार की पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम, पहाड़ जैसी चिंताएं, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके जीवन से आसान हो जाएंगी। उस खुदा का कहने का मतलब यही था कि एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, आज हमारे मन में, आज हमारे दिल में यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आज इतने लोग आए हुए हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि आपके बच्चे, आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी और बेटियां खुशहाल रहें, चिंतित रहें, चिंतित ना रहें, परेशान ना रहें, हताशा और निराशा का सामना ना करें।
हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता, भाई बहन चाहते हैं। आज जितने लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, थैंक्स इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। उनको बहुत कुछ सीखने का और समझने को मिलता है, और जब इस वचन को सुनते हैं उनके मन में और उनके दिल में शांति आती है, उनका मन एकाग्र होता है और वो परिपूर्ण होते हैं। परमेश्वर उनसे ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। बहुत सारी मसीह भाई बहनों की गवाहियां आती हैं कि परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस तरीके हमें हर एक मसीह भाई बहन को यही करना चाहिए कि अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम समझते हैं और जिस भाषा में लोगों को समझाना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों के द्वारा बात किया करते, उदाहरण दे दे करके समझाते थे, ताकि लोगों को समझ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते और समझते हुए भी नहीं समझ पाते और बोलते हुए भी लोग सुन नहीं पाते। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उदाहरण के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा आपको समझाना बहुत जरूरी है। यदि आपका भाई है, आपकी बेटी और बेटियां, आपके घर परिवार, समाज, आस पे पड़ोसी हैं, कोई व्यक्ति समझना चाहता है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? यदि हम बाइबल की आयतों के अनुसार उसे समझाते हैं और कुछ उदाहरण देकर के समझाते हैं, कुछ दृष्टांतों के द्वारा उसे समझाते हैं, तो उसके समझ में आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। आपने राई को देखा होगा, जो सरसों कहा जाता है, आप उसे अपनी उंगलियों से सही तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं, इतना छोटा होता है, सब बीजों से वो छोटा होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, परंतु जब बोया गया तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सब साग पात से जब वो बोया जाता है तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बहुत दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया। आज हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। यदि आज हमारा एक छोटा सा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, मान लीजिए परमेश्वर पर या आप यकीन रखते हैं, या फिर आपके माता पिता बिलीव करते हैं, या फिर आप बिलीव करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, एक व्यक्ति भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है? जब विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, तो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम आने लगता है, प्यार आने लगता है, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगता है, और वो एक दिन इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि अपने घर परिवार, समाज, अपने पूरी जनरेशन को वो एकदम से चेंज कर देता है। क्योंकि यही फल होता है, जैसे एक राई के दाने के बराबर जो होता है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दिया था और यहाँ पे समझाया गया है कि एक राई के दाने को यदि आप खेत में बोते हैं तो वो क्या होता है? वो उग करके बड़ा होता है, साग पात, उसमें फिर अनेकों प्रकार के फल आते हैं। अनेकों प्रकार के मतलब बहुत सारे उसमें फल आते हैं। क्या उस एक बीज की वजह से आप हजारों लाखों देखते होंगे, सैकड़ों देखते होंगे कि उसमें दाने पड़ते हैं? इसका मतलब कि एक बीज हजारों को यहाँ पे जन्म दिया। तो इसका मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आज यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांतों के द्वारा दे करके उसकी समझ के अनुसार वचन को सुनाता था प्रभु यीशु मसीह। तो आज हमें इस दृष्टांतों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम विश्वास करते हैं, मान लीजिए आप विश्वास करते हैं, आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार के कोई नहीं करता है, लेकिन आप करते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपके अंदर एक ऐसा फल आएगा जिसमें बहुत सारे फल लगे होंगे, बहुत सारे, आप जिंदगी भर उस फल को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो फल देता है जो जिंदगी में कभी नहीं ख़त्म होता। और इस बात को याद रखना, यदि आपको सफलता चाहिए, आपको हर प्रकार से परिपूर्ण होना है, आपको स्ट्रांग होना, आपको मजबूत होना है, आपकी हर एक प्रकार की परेशानियों को सामने करने की आपके अंदर क्षमता हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू केवल धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
कि मैं हमेशा दृष्टांतों के द्वारा उन्हें हमेशा समझाता आया हूँ और समझाता था प्रभु यीशु मसीह जब तक थे। और यहाँ पे लिखा है 34 में, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता, परंतु एकांत वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यदि आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं हमेशा उन अर्थों का, जो आज आप सुनते हैं, यदि इसका अर्थ वचन को पढ़ने के बाद उसका अर्थ न समझाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे जीवन का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है जीने का। हम बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश निराश हैं, लेकिन एक बीज का दृष्टांत आप देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज का दृष्टांत आपको समझना होगा। मैं तो हालांकि आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपके समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन आप एक बीज को देखिए कितने उसमें फल आते हैं। जब एक सरसों का बीज या राई बोया जाता है तो उसमें कितने फल आते हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। तो इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है तो आप हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुश्किल प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता, तो क्या आज हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए? क्या आज हमें पेशेंस नहीं रखना चाहिए? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस किया, क्रिएट अपने जीवन में चिंताएं आई, मुसीबत आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे जीवन प्रॉब्लम ना आए, चिंताएँ ना आए। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने वो खून भरा कटोरा हुआ करता था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ है पिता आपकी महिमा की वजह से है, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो। तो आज हमें यही कहना है, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के सामने मृत्यु थी और परमेश्वर ने यही शब्द कहा कि पिता मैं जानता हूँ कि मेरे सामने मृत्यु है, लेकिन पिता जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मेरे जीवन से हो, तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें करना चाहिए, आज परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। आज आपके दिल में शांति आएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, यदि इन बातों को आप सीखते हैं, आप समझते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने के लिए हमेशा उद्देश्य दिया करते थे, दृष्टांतों का उद्देश्य हमें हमेशा समझाते थे, हमेशा हर एक मसीह भाई बहन को उदाहरण देकर के समझाते थे। आज हमें वही करने की आवश्यकता है, आज हमें समझाने की आवश्यकता है। और मैं सीधा यही कहना चाहूँगा आप सभी मसीह भाई बहनों से, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सीधा इस वीडियो को शेयर करें, इस वचन को प्रार्थना करने से पहले इस वचन को लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए, और लोग विश्वास करें, और लोग यकीन करें, और ज्यादा शेयर चैनल के माध्यम से जुड़ें। और इस कलीसिया को, ये प्रभु की कलीसिया है, आपको इसे बढ़ाना चाहिए, आपको प्रेम करना चाहिए, प्यार करना। खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें, जिस समय दुखी थे, जो इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, सुनासरी के नाम से उनके जीवन पे हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आप पर यकीन रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं। खुदावंद सुनासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज पीड़ित हो, आज दुखी थे, आप चिंतित हैं, यदि आज आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आप आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है, क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया, क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया, क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के निगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग, जो भी सुनासरी के नाम से आज उनकी ज़िंदगी से जाए, सुनासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले,
वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी चिंता चेवितीय हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा, आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए, जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी जिंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी जिंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असात रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज वो आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता, आज उनकी जिंदगी की हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा, आज उनकी जिंदगी की हर एक प्रकार की जरूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया, हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए, तो आज जो आपको आच्छाद करने जा रहे हैं नाजरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी जिंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए, हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमजोर हो चुके हैं, असहाय गए, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले हैं, आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते, इसलिए आज आपकी जिंदगी की हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय जीव पीड़ित है, जो दुखी थे, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है, मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से, तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, उन्हें छोड़ के चले जाए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार के जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी सुनासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है सुनासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, इसीलिए आज हुआ परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है, इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगरे कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पत्नी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है नासरी के नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीट पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके जीवन में, जिनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको
ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया 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 पूरा कर सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो जाए उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज बहुत स्ट्रांग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन्द इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज्यादा गुजर रहे, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनकी शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन्द हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सत्कलम 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 छुपेता परमेश्वर, छोपिता परमेश्वर, छोपिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छोपिता परमेश्वर, जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक कर यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपको आजाद करने जा रहा है हर प्रकार की समस्याओं से, आपको आजाद करने जा रहा है, चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के हमसे बताइए, आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए, खुदावन्द यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है, आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है परमेश्वर, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है,
आपके जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। इस नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपने स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से जो भी जिनके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग, यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रांग करने जा रहा है, को मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं। यीशु नासरी के नाम से आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखी थे, चिंतित थे, परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तो यकीन रख। यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्ति परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सत्कलम, 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 छुपेता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी की, जीवन के हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने चाह रहे हैं, उनको आशीष देने चाह रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि आज वो आपके जिंदगी में परमेश्वर काम करने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं। यीशु नासरी के नाम से आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन इनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता, आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, आप यकीन रखना इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएं, और लोग प्रभु में आशीष हों और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे, और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं, तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे।
यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से यही खुदावन से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पिता हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे। पिता परमेश्वर उनके बेटे के जीवन को संभाल, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता की जिंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता, आपकी महिमा करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया। पिता परमेश्वर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाई ने आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आमीन।